नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सुरेश सर जीके में स्वागत है। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं बनास नदी की, और बनास नदी की पूरी विशेषता को हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस बनास नदी की सहायक नदियों को पढ़ते हैं कि इनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और वो कहाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ पर आकर के बनास नदी में मिलती है और वो क्या क्या विशेषता करती है। देखिए, पूरी की पूरी बनास नदी की हम लोकेशन पिछले वीडियो में कर चुके हैं और आज हम डायग्राम के माध्यम से इस बनास नदी को पढ़ते हैं, इसका डायग्राम तैयार करते हैं, क्योंकि बिना डायग्राम के ये बनास नदी की सहायक नदियां हैं वो समझ में नहीं आ पाएगी। इसलिए दोस्तों, आप इस बनास नदी का डायग्राम है वो एकदम प्यार से आप इनको समझने की कोशिश करेंगे। पूरा का पूरा डायग्राम है वो आपके सामने देखिए तैयार होगा और कैसे इनको अपन याद कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब देखिएगा, इस बनास नदी की बात करते हैं कि ये बनास नदी की सहायक नदियां देखिए कहाँ कहाँ से निकल करके आती है। तो सबसे पहले देखिए, आप पढ़ेंगे यहां से बनास नदी को, यानी यहां से देखिए जब बनास नदी की बात करते हैं तो बनास नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो याद रखेंगे आप खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ी। और खमनोर की पहाड़ी है ये आपके सामने कौन से जिले में है? राजसमंद में। ऐसे खमनोर की पहाड़ी राजसमंद की बात करें तो यहां से आपके सामने देखिए ये बनास नदी निकलती है, और यहां से निकलने के बाद भी ये नदी देखिए रामेश्वर स्वाईमाधोपुर में जाकर के ये नदी चंबल नदी में मिल जाती है। तो यहां से देखिएगा, यहां पर आपके सामने देखिए ये जो बनास नदी है, ये बनास नदी है ये आपके सामने रामेश्वर जो स्वाईमाधोपुर का भाग है वहां पर जाकर के ये नदी आपके सामने चंबल नदी है, इस चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। लेकिन इससे पहले ये बनास नदी देखिए कौन कौन सी सहायक नदियों को अपने साथ मिलाती है, तो ये तो आपके सामने देखिए संपूर्ण नदी की बात करें तो ये बनास नदी है। और इस बनास नदी की बात करते हैं तो यहां पर आपके सामने देखिए ये जो नदी आती है वो कौन सी नदी आती है? चंबल नदी आती है। कौन सी नदी आती है? चंबल नदी आती है। तो ये तो आपके सामने देखिए चंबल नदी की लोकेशन हो जाएगी, ये चंबल नदी है। और ये बनास नदी इसी चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है, और कहाँ मिलती है? रामेश्वर स्वाईमाधोपुर में। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने देखिए बनास नदी की बात करते हैं तो ये आपके सामने देखिए रामेश्वर जो स्वाईमाधोपुर का भाग है वहां पर जाकर के ये नदी आपके सामने चंबल नदी में मिल जाती है, ये हो जाएगी यहां पर चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, और अब इस बनास नदी की देखिए सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहले सहायक नदी आप पढ़ेंगे देखिए आयड़ नदी को। कौन सी नदी को पढ़ेंगे? आयड़ नदी को, जिसको देखिए आपके सामने बेडच नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। अब ये आयड़ नदी की बात करें या बेडच नदी की बात करें तो ये नदी देखिए निकलती कहाँ से है और इनकी क्या क्या विशेषता रही है, और आपको एग्जाम में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ये बनास नदी है जो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलने के बाद में देखिए यहां पर आपके सामने रामेश्वर का भाग है स्वाईमाधोपुर में, यहां पर आपके सामने ये बनास नदी चंबल नदी में मिलती है। इससे पहले ये राजस्थान में देखते हैं तो 6 जिलों में बहती है, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और स्वाईमाधोपुर में बहती है। यहां से देखते हैं तो सबसे पहले देखिए यहां से आपके सामने एक नदी का नाम है जिसका नाम है आयड़ नदी। कौन सी नदी आती है? आयड़ नदी। ये आयड़ नदी देखिए निकलती कहां से है तो याद रखिएगा ये गोगुंडा की पहाड़ी से निकलती है।
कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ी। और गोगुंदा की पहाड़ी की बात करें तो ये पहाड़ी आपके सामने कौन से जिले में? उदयपुर में। और इसी आयड़ नदी की बात करें तो ये गोगुंदा की पहाड़ी है आपके सामने कहाँ पर? उदयपुर जिले में। वहां से ये आयड़ नदी निकलती है। और ये आयड़ नदी यहां से निकलने के बाद में, यहां से दोस्तों निकलने के बाद में ये नदी आपके सामने देखिए सीधी कौन सी नदी में जाती है? तो याद रखेंगे बनास नदी में। यहां पर आपके सामने ये बनास नदी में जाकर के मिलती है। और कहां पर जाकर के मिलती है? तो यहां पर आपके सामने एक स्थान है जिसका नाम है बिगोद। कौन सा स्थान है? बिगोद। और इस बिगोद की बात करते हैं तो बिगोद कहां पर है? बेलवाड़ा जिले में। यहां से देखिए आयड़ नदी निकलती है आपके सामने गोगुंडा की पहाड़ी उदयपुर से। और वहां से निकलने के बाद में ये आयड़ नदी क्या करती है आपके सामने देखिए, ये आपके सामने उदय सागर झील में। कौन सी झील में? उदय सागर। इसे उदय सागर झील की बात करते हैं तो उदय सागर झील में ये अपना जल घेरती है। कौन सी झील में अपना जल घेरेगी? उदय सागर झील में अपना जल वो घेरती है। और गिरने के बाद में ये आयड़ नदी है वो आपके सामने जैसे ही उदय सागर झील से निकलती है, ठीक है, उदय सागर झील जो आपके सामने उदयपुर में है इस झील में ये अपना जल गिरने के बाद जब ये नदी वापस निकलती है तब उस नदी का नाम देखिए क्या हो जाता है? तो याद रखेंगे इस नदी का नाम है वो बेड़च नदी हो जाता है। ये बेड़च नदी उदयपुर में बहने के बाद में देखिए चित्तौड़गढ़ में बहती है। और चित्तौड़गढ़ में बहने के बाद ये नदी सीधी आपके सामने भीलवाड़ा जिले में जाकर के बनास नदी में मिल जाती है। और कहाँ जाकर मिलती है? बिगोदे भीलवाड़ा में। क्लियर हुई इतनी बात? यानी आयड़ नदी कहाँ से निकली? गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकली। और वहां से निकलने के बाद में ये उदय सागर झील है जो आपके सामने उदयपुर जिले में वहां पर अपना जल घेरती है। और उसके बाद में जैसे ही इस झील से ये आगे निकलती है तो इस नदी का नाम क्या हो जाता है? बेड़च नदी हो जाता है। और ये बेड़च नदी उदयपुर से देखिए चित्तौड़गढ़ में बहती है। और चित्तौड़गढ़ के बाद में ये भीलवाड़ा जिले का जो स्थान है बिगोद वहां पर जाकर के दोस्तों कौन सी नदी में मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है। और इसी आयड़ नदी की बात करें तो इसी आयड़ नदी के किनारे पर ही आपके सामने देखिए कौन सा शहर बसा हुआ है? तो याद रखेंगे चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जो जिला है वो इसी आयड़ नदी के किनारे पर या बेड़च नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और इसी आयड़ नदी की बात करते हैं, इसी आयड़ नदी की बात करें तो आयड़ नदी के किनारे पर देखिए यहां पर उदयपुर में एक सभ्यता है वो प्राप्त हुई थी। और उस सभ्यता का नाम है आपके सामने आहड़े सभ्यता। देखिए दोस्तों यहां से आपसे कहा जाएगा कि आहड़ सभ्यता है ये कौन से जिले में है? तो आपको ध्यान रखना है उदयपुर में। और ये आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर विकसित हुई थी? कौन सी नदी के किनारे से प्राप्त हुई थी? तो आयड़ नदी के किनारे से या बेड़च नदी के किनारे से प्राप्त हुई थी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर इसी आयड़ नदी के किनारे पर आपके सामने एक प्रसिद्ध मंदिर है वो बना हुआ है। और उस मंदिर की बात करें तो वो मंदिर आपके सामने देखिए कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों बड़ली माता। बड़ली माता का जो मंदिर है ये मंदिर देखिए कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो इसी बेड़च नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ पर है? तो याद रखेंगे अकोला में। और अकोला आपके सामने कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। आयड़ या बेड़च नदी के किनारे पर बड़ली माता का मंदिर है जो अकोला चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसी बड़ली माता के मंदिर की विशेषता ये रही है कि यहाँ की दो तिवारियां प्रसिद्ध है। और इन दो तिवारियों में से बीमार बच्चों को निकालने से उनकी जो बीमारी है वो स्वतः ही दूर हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जिनकी दो तिवारियां प्रसिद्ध है और उन दो तिवारियों में से बीमार बच्चों को निकालने से उनकी बीमारी क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे बड़ली माता का मंदिर।
जो कौन सी नदी के किनारे है? आयडिया बेडच नदी के किनारे प्राप्त है। उसके बाद में देखिएगा, इसी बेडच नदी की आप एक सहायक नदी पढ़ेंगे और उस सहायक नदी का नाम है दोस्तों आपके सामने देखिए गंभीरी नदी। कौन सी नदी है? गंभीरी नदी। ये गंभीरी नदी देखिए कहां से निकलती है, तो याद रखेंगे ये जावद की पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? जावद की पहाड़ी। और जावद की पहाड़ी है ये दोस्तों आपके सामने कहां पर है? मध्य प्रदेश में। यानी गंभीरी नदी जावद की पहाड़ी है ये मध्य प्रदेश में, वहां से आपके सामने इस नदी का उद्गम होता है। और यहां से निकलने के बाद में ये गंभीरी नदी क्या करेगी, पहले मध्य प्रदेश में बहेगी और मध्य प्रदेश में बहने के बाद में ये चित्तौड़गढ़ जिले में जाकर के कौन सी नदी में मिल जाती है? तो यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे कौन सी नदी में मिलेगी, तो यहां पर आकर के ये आपके सामने देखिए कौन सी नदी में मिल रही है, तो यहां पर आ जाएगी आपकी कौन सी नदी? बेडच नदी। यानी यहां पर आपके सामने गंभीरी नदी जावद की पहाड़ी एमपी से निकलेगी और वहां से निकलने के बाद में ये गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ जिले में जाकर के आपके सामने बेडच नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? बेडच नदी में। और जहां पर आपके सामने देखिए बेडच नदी का और यहां पर गंभीरी नदी का, इन दोनों नदियों का देखिए जहां पर देखिए संगम होता है, उस संगम पर आपके सामने एक दुर्ग बना है जिसका नाम है आपके सामने चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो आपके सामने देखिए कौन से पठार पर बना है, ये मेसा का पठार है। इस मेसा के पठार पर बना है। कहां बना है? मेसा का पठार है चित्तौड़गढ़ में, वहां पर ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना है। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपके सामने गंभीरी नदी और बेडच नदी, आइडिया बोल सकते हैं बेडच नदी और गंभीरी नदी, इनके संगम पर, आयडिया गंभीरी नदी के संगम पर देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो बना हुआ है। और चित्तौड़गढ़ जिले में बना है जो मेसा का पठार है, इस मेसा के पठार पर बना हुआ। अब यहां से देखिए दोस्तों आपसे कहा जाएगा कि ये जो गंभीरी नदी है, ये जो गंभीरी नदी है, इस गंभीरी नदी पर आपके सामने एक बांध बना है। यहां पर आपके सामने एक बांध बना है और उस बांध का नाम तो दोस्तों है आपके सामने गंभीरी बांध। कौन सा बांध है? गंभीरी बांध। यानी गंभीरी बांध की बात करते हैं तो गंभीरी बांध देखिए कहां पर बना है? गंभीरी नदी पर बना है। और इस गंभीरी नदी की बात करें तो गंभीरी बांध है वो आपके सामने गंभीरी नदी पर बना है। कौन से जिले में बना है? चित्तौड़गढ़ जिले में बना है। अब यहां से देखिए ये चित्तौड़गढ़ जिले में बना है और यहां पर ही आपके सामने एक बांध और बना है और उस बांध का नाम है आपके सामने गोसुंडा बांध। कौन सा बांध है? गोसुंडा बांध। ये गोसुंडा बांध है ये आपके सामने अप्पावास में बना है। कहां बना है? अप्पावास। और अप्पावास कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और गंभीरी बांध है ये भी कहां पर बना है? चित्तौड़गढ़ में बना है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहां पर एक स्थान है निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। तो गंभीरी नदी पर आपके सामने दो बांध बने हैं, एक गोसुंडा बांध बना है और एक आपके सामने गंभीरी बांध है वो बना हुआ है। और इसी गंभीरी नदी और बेडच नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो बना है जो मेसा के पठार पर बना है। तो दोस्तों ये बात तो आपके समझ में आ चुकी होगी कि बनास नदी की एक सहायक नदी जिसका नाम है आपके सामने आयड नदी या बेडच नदी। आयड नदी कहाँ से निकलती है? गोगुंडा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। वहां से निकलने के बाद में ये उदय सागर झील में अपना जल घेरती है और घेरने के बाद भी जैसे उस झील से ये आगे निकलती है तो इस आयड नदी का नाम है वो चेंज हो जाता है। और चेंज क्या होता है कि ये नदी बेडच नदी के नाम से पुकारी जाती है। यही बेडच नदी चित्तौड़गढ़ में बहने के बाद में ये बिगोद भीलवाड़ा में जाकर के बनास नदी में मिल जाती है।
और इसी बेड़च नदी के किनारे पर चित्तौड़गढ़ जिला है वो बसा हुआ है। इस नदी के किनारे पर चित्तौड़गढ़ जिला है वो बसा हुआ है। उसके बाद में कहा जाएगा कि ये जो आइड नदी है, इसी नदी के किनारे पर एक सभ्यता प्राप्त हुई थी, और उस सभ्यता का नाम याद रखना है मित्रों, आहड़े सभ्यता, जो उदयपुर जिले में है, जिसको ताम्रवर्ती नगरी कहा जाता है। ये सभ्यता यहीं से प्राप्त हुई थी। उसके बाद में इस नदी के किनारे पर एक प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर का नाम है बड़ली माता का मंदिर, जो आपके सामने अकोला चित्तौड़गढ़ में बना है। इस मंदिर की विशेषता ये रही है कि यहाँ की दो तिबारियां प्रसिद्ध है, जिनमें से बीमार बच्चों को निकालने से उनकी बीमारी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो यहाँ से ये बड़ली माता का मंदिर भी आप याद रखेंगे। उसके बाद में इस नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखेंगे गंभीरी नदी है। गंभीरी नदी जावद की पाड़ी एमपी से निकलती है, वहां से निकलने के बाद में ये आपके सामने चित्तौड़गढ़ में जाकर के बेड़च नदी में मिल जाती है, जहां पर देखिए बेड़च नदी का और यहाँ पर गंभीरी नदी का संगम होता है। जहां पर इन दोनों नदियों का संगम होता है, वहां पर आपके सामने दुर्ग बना है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो मेसा के पठार पर बना है। क्लियर हुई इतनी बात। फिर याद रखना कि गंभीरी नदी के किनारे पर एक गोसुंडा बांध और आपके सामने गंभीरी बांध है, ये बना है, और दोनों ही कौन से जिले में है, चित्तौड़गढ़ में। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए मित्रों, आगे बात करते हैं, तो यहां से एक नदी का नाम है जिसका नाम है मेनाल नदी। कौन सी नदी का नाम है, मेनाल नदी का। ये मेनाल नदी देखिए निकलती कहाँ से है, तो दोस्तों याद रखना है ये मांडलगढ़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मांडलगढ़ से। और मांडलगढ़ आपको पता है कहाँ पर है, तो याद रखना भीलवाड़ा में। इसी मेनाल नदी की बात करें तो ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा जिले से निकलती है, और यहां से निकलने के बाद में ये नदी आपके सामने देखिए भीलवाड़ा जिले में बहती है, और भीलवाड़ा जिले में बहने के बाद में भीलवाड़ा जिले में बहने के बाद में इसी भीलवाड़ा के बिगूद नामक स्थान पर आकर के, इसी बिगूद नामक स्थान है भीलवाड़ा में, वहां पर आकर के दोस्तों कौन सी नदी में मिल जाती है ये, तो याद रखिएगा बनास नदी में मिल चुकी है यहाँ पर ये बनास नदी में। अब इनकी विशेषता आपको कैसे याद रखनी है, यहां से देखिए, ये मेनाल नदी जैसे ही मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है, तो निकलने के बाद में ये मेनाल नदी आपके सामने एक जलप्रपात का निर्माण करती है, और उस जलप्रपात की बात करते हैं तो उस जलप्रपात का नाम है दोस्तों मेनाल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, मेनाल जलप्रपात। ये मेनाल जलप्रपात देखिए कहाँ बना है, तो याद रखेंगे ये भीलवाड़ा जिले में बना है। कौन सी नदी पर बना है, तो मेनाल नदी पर बना है, और मेनाल नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो याद रखिएगा आपके सामने बनास नदी की सहायक नदी है। इधर से देखिए आपके सामने बेड़च नदी आ गई, और इधर से आपके सामने बनास नदी में मेनाल नदी आ गई। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर देखेंगे तो तीन नदियों का देखिए यहां पर देखिए संगम हो रहा है। तीन नदियों का कौन कौन सी का, बनास नदी का, मेनाल नदी का और बेड़च नदी का, इनका जो संगम होता है वो बिगूद भीलवाड़ा में होता है, और वो संगम आपके सामने कहलाएगा त्रिवेणी संगम। क्या कहलाएगा मित्रों, त्रिवेणी संगम। तो यहां से इससे पहले भी मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि बनास नदी के द्वारा बनाई गई त्रिवेणी संगम, तो त्रिवेणी संगम पहला त्रिवेणी संगम बिगूद भीलवाड़ा में हो रहा है, बनास नदी का, मेनाल नदी का और बेड़च नदी का, इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम देखिए कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर आपके सामने देखिए बिगूद भीलवाड़ा में इनका त्रिवेणी संगम हो रहा है। उसके बाद में देखिए अगली सहायक नदी की बात करते हैं, तो अगली सहायक नदी आती है जिसका नाम है दोस्तों आपके सामने कोठारी नदी। कौन सी नदी है, कोठारी नदी। इस कोठारी नदी की बात करते हैं, तो कोठारी नदी देखिए कहाँ से निकलती है, तो याद रखेंगे ये दिवेर की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, दिवेर की पहाड़ी। और दिवेर की पहाड़ी की बात करते हैं तो दोस्तों ये कहाँ पर है, आपके सामने राजसमंद में।
इसी कोठारी नदी की बात करते हैं जो आपके सामने देवेर की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? देवेर की पहाड़ी से ये कोठारी नदी निकलती है और ये किस नदी की सहायक नदी है? तो ये बनास नदी की सहायक नदी है। इस कोठारी नदी को पढ़ते हैं तो ये देवेर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और वहां से निकलने के बाद में ये भीलवाड़ा जिले में बहती है और भीलवाड़ा जिले में बहने के बाद में ये नदी सीधी आपके सामने भीलवाड़ा जिले में आकर के कौन सी नदी में मिल जाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बनास नदी में आकर के मिल जाती है। कहाँ मिल रही है? तो ये आपके सामने देखिए बनास नदी में मिल रही है। और बनास नदी में कौन से स्थान पर आकर के मिलती है? तो भीलवाड़ा जिले में आपके सामने एक स्थान है जिसका नाम है नंदराय। नंदराय जो आपके सामने भीलवाड़ा जिले का भाग है, वहां पर आकर के ये कोठारी नदी आपके सामने देखिए बनास नदी में मिल चुकी है। तो यहाँ पर बनास नदी की सहायक नदी बेडच नदी भी हो चुकी है, मेनाल नदी भी हो चुकी है और मेनाल नदी के बाद में आपके सामने ये कोठारी नदी भी आ चुकी है। अब इस कोठारी नदी की बात करते हैं तो ये कोठारी नदी जैसे ही देखिए देवेर की पहाड़ी राजसमंद से निकलने के बाद देखिए नंदराय भीलवाड़ा में आकर के बनास नदी में मिल जाती है। लेकिन इसी कोठारी नदी पर आपके सामने एक प्रसिद्ध बांध बना है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध बांध बना है और उस बांध का नाम है दोस्तों मेजा बांध। कौन सा बांध बना है? तो याद रखिएगा मेजा बांध। ये मेजा बांध देखिए भीलवाड़ा जिले में बना है और कौन सी नदी पर बना है? तो याद रखना है कि ये कोठारी नदी पर, इसी कोठारी नदी पर मेजा बांध बना है भीलवाड़ा जिले में। और इसी मेजा बांध की बात करते हैं तो भीलवाड़ा जिले में बना है और यहाँ पर ही इस मेजा बांध के पास में यहाँ पर एक पठार आता है जिसका नाम है बिज्जासण का पठार। कौन सा पठार आता है? बिज्जासण का पठार। तो मेज्जा बांध और बिज्जासण के पठार के मध्य का जो क्षेत्र है दोस्तों, मेज्जा बांध और बिज्जासण के पठार के मध्य का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र की बात करें तो वो क्षेत्र पूरे वर्ष भर आपके सामने हरा भरा रहता। वर्ष भर कैसा रहेगा? हरा भरा रहेगा। वर्ष भर हरा भरा रहता उस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो यहां से दोस्तों याद रखना है राजस्थान का ग्रेट या राजस्थान का ग्रीन माउंट। क्या कहा जाता है उसको? राजस्थान का ग्रीन माउंट या राजस्थान का ग्रेट माउंट कहा जाता है। तो राजस्थान का ग्रेट माउंट या ग्रीन माउंट किसको कहा जाता है? कि मेजा बांध जो कोठारी नदी पर बना है भीलवाड़ा में। ये मेजा बांध और बीजासन के पठार की बात करें तो ये बीजासन का पठार भी भीलवाड़ा में, मंडलगढ़ भीलवाड़ा का क्षेत्र वहां पर है। तो मेजा बांध और बीजासन के पठार के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र पूरे वर्ष भर देखिए हरा भरा रहता है और हरा भरा रहने के कारण ही उसको राजस्थान का ग्रीन माउंट या ग्रेट माउंट कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? इतनी बात समझ में आ रही होगी। आप इन सारी की सारी चीजों को ऐसे के ऐसे डायग्राम पर याद करना और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक दोस्तों आप जरूर देखिएगा। इनकी पूरी विशेषता आप लोगों के सामने याद हो जाएगी। पूरी की पूरी विशेषता को आप लंबे समय तक याद कर सकते हो। आगे देखिए चर्चा करते हैं कोठारी नदी के बाद में। तो कोठारी नदी के बाद में अगली जो नदी आती है उस नदी का नाम है आपके सामने देखिए खारी नदी। यानी आपके सामने जब खारी नदी की बात आती है तो खारी नदी देखिए कहां से निकलती है? तो याद रखिएगा कि खारी नदी है ये ब्रिजराज की पहाड़ी या बिजराल की पहाड़ी। देखिएगा यहां पर आपके सामने यदि खारी नदी की बात करते हैं तो खारी नदी ब्रिजराज की पहाड़ी या बिजराल की पहाड़ी जो आपके सामने राजसमंद जिले में है वहां से देखिए आपके सामने इस नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? खारी नदी का।
लेकिन राजस्थान में खारी नदियां तीन आती है जिनकी अपन विशेषता को पढ़ेंगे। पहली ये खारी नदी है जो ब्रिजराज की पाड़ी या बिजराल की पाड़ी है राजसमंद में, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। ये नदी आपके सामने राजसमंद जिले से निकलने के बाद ये नदी सीधी जाती है टोंक जिले में, और टोंक जिले में आकर के आपके सामने देखिए कौन सी नदी में मिल जाती है, तो दोस्तों याद रखना है बनास नदी में आकर के मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है तो याद रखिएगा बनास नदी में, देखो मिल रही है यहाँ पर। अब यहाँ से खारी नदी जैसे ही ब्रिजराज की पाड़ी या बिजराल की पाड़ी राजसमंद से निकलती है, वहां से निकलने के बाद में ये नदी देखिए कहाँ पर आकर के बनास नदी में मिलती है, तो याद रखिएगा राजमहल। कौन सा महल है? राजमहल। ये राजमहल जो आपके सामने टोंक जिले का भाग है वहां पर आकर के ये खारी नदी बनास नदी में मिल जाती है। लेकिन इसकी विशेषता क्या रही है, यानी जैसे ही ब्रिजराज की पाड़ी या ब्रिजराल की पाड़ी से ये खारी नदी निकलती है, तो पहले ये राजसमंद जिले में बहेगी, और राजसमंद जिले में बहने के बाद में ये नदी प्रवेश करती है आपके सामने भीलवाड़ा जिले में। कहाँ प्रवेश करती है? भीलवाड़ा जिले में। भीलवाड़ा जिले में बहने के बाद में ये खारी नदी आपके सामने कहाँ प्रवेश करती है, तो याद रखिएगा अजमेर जिले में। अजमेर जिले में बहने के बाद में ये नदी कहाँ प्रवेश करेगी, तो याद रखेंगे टोंक जिले में। और जैसे टोंक जिले में प्रवेश करती है तो टोंक जिले में बहने के बाद में ये राजमहल टोंक में ही आपके सामने बनास नदी में आकर के मिल जाती है। लेकिन इस खारी नदी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि खारी नदी है, इस खारी नदी के किनारे पर कौन कौन सा शहर बसा हुआ, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि खारी नदी के किनारे पर एक तो शहर आता है आपके सामने आसिंद। कौन सा क्षेत्र है? आसिंद, जो भीलवाड़ा जिले का भाग है, ये इसी खारी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उसके बाद में एक शहर आता है आपके सामने विजयनगर। देखिएगा विजयनगर की बात करें तो ये भी आपके सामने भीलवाड़ा जिले में, वो भी कौन सी नदी के किनारे बसा है? खारी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर एक शहर आपके सामने भीलवाड़ा का और आता है जिसका नाम है दोस्तों गुलाबपुरा। यानी गुलाबपुरा की बात करें, विजयनगर की बात करें, आसिंद की बात करें, तो तीनों के तीनों जो क्षेत्र है वो भीलवाड़ा जिले में है, पर इसी भीलवाड़ा जिले में आपके सामने ये तीनों ही शहर है वो खारी नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। याद रह जाएगी इतनी बात, यानी यहां से याद रखना कि खारी नदी के किनारे पर विजयनगर, आसिंद और गुलाबपुरा है, ये भीलवाड़ा का क्षेत्र है जो इनके किनारे पर बसा हुआ है। ऐसे याद रख लेना खारी नदी, देखिए यहां से याद रखो खारी, विजय, आसी, गुलाब में, यहां से याद रखोगे आप इस तरीके से कि खारी विजय आसी गुलाब में, यानी खारी विजय कहाँ से आसी, तो याद रखना गुलाब में आसी। तो यहाँ पर खारी का मतलब तो दोस्तों हो जाएगा खारी नदी। क्या हो जाएगा? खारी नदी का मतलब हो जाएगा खारी, का मतलब हो जाएगा खारी नदी। इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो देखिए खारी विजय, विजय का नगर, विजय का मतलब हो जाएगा विजयनगर, आसी का मतलब हो जाएगा आसिंद, और गुलाब का मतलब हो जाएगा गुलाबपुरा। तो ये आपको यहां से इस तरीके से याद रखना है। उसके बाद में देखिए जैसे ये नदी आपके सामने अजमेर जिले में प्रवेश करती है, तो अजमेर जिले में इस नदी पर देखिए आपके सामने प्यारा सा बांध बना है, और उस बांध की बात करें तो उस बांध का नाम है दोस्तों आपके सामने नारायण सागर बांध। यानी जब नारायण सागर बांध की बात करें तो नारायण सागर बांध देखिए कौन सी नदी पर बना है, तो
याद रखना है खारी नदी पर बना है। खारी नदी पर नारायण सागर बांध बना है जो कौन से जिले में बना है, अजमेर जिले में बना, और इसी बांध को कहा जाता है आपके सामने अजमेर का समुद्र। क्या कहा जाता है? अजमेर का समुद्र इस बांध को कहा जाता है। तो नारायण सागर बांध है इसी को कहा जाता है दोस्तों अजमेर का समुद्र, जो कौन सी नदी पर बना है, खारी नदी पर बना है। उसके बाद में देखिए अजमेर जिले में एक बांध आपके सामने और बना है इस नदी पर, और उस बांध का नाम है आपके सामने लासड़िया बांध। कौन सा बांध है? लासड़िया बांध। यानी लासड़िया बांध की बात करें या लसाड़िया बांध की बात करें तो ये आपके सामने कौन सी नदी पर बना है, खारी नदी पर बना है, कौन से जिले में बना है, अजमेर जिले में बना है। क्लियर हुई? उसके बाद में ये खारी नदी राजमहल टोंक में आकर के बनास नदी में मिल जाती है। लेकिन इस खारी नदी की एक सहायक नदी आती है, एक सहायक नदी आती है, और उस नदी का नाम है आपके सामने देखिए मासी नदी। कौन सी नदी आती है? मानसी नदी। इस मानसी नदी की बात करें तो मानसी नदी देखिए कहां से निकलती है, तो याद रखेंगे ये करणगढ़ से निकलती है, और करणगढ़ कहां पर है? भीलवाड़ा जिले में। यहां से आपके सामने देखिए ये मानसी नदी निकलती है। देखो मानसी नदी करणगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है, वहां से निकलने के बाद में भीलवाड़ा जिले में आकर के आपके सामने कौन सी नदी में मिल जाती है, तो याद रखिएगा खारी नदी मिल चुकी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये खारी नदी है, इनकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है मानसी नदी। ये मानसी नदी करणगढ़ भीलवाड़ा से निकलने के बाद में भीलवाड़ा जिले में आकर के खारी नदी में मिल जाती है, और इसी खारी नदी की बात करते हैं दोस्तों। इसी खारी नदी की सहायक नदी मानसी नदी की बात करते हैं तो इस नदी पर भी आपके सामने एक बांध बना है, और उस बांध का नाम है दोस्तों अडवान बांध। देखिएगा अडवान बांध की बात करते हैं तो अडवान बांध देखिए कौन सी नदी पर बना है, तो याद रखेंगे कि मानसी नदी पर बना है। कौन से जिले में बना है अडवान बांध? भीलवाड़ा जिले में बना है, और ये मानसी नदी आपके सामने खारी नदी की सहायक नदी है। उसके बाद में बनास नदी की अगली सहायक नदी की बात करते हैं दोस्तों। तो अगली सहायक नदी आती है आपके सामने देखिएगा डाई नदी। कौन सी नदी है यहां पर? डाई नदी। ये डाई नदी की बात करते हैं तो डाई नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा आप किशनगढ़ से निकलती है, और किशनगढ़ कहाँ पर है? अजमेर में। यहां से देखिएगा आप डाई नदी को पढ़ते हैं तो डाई नदी देखिए किशनगढ़ अजमेर से निकलती है, और वहां से निकलने के बाद में ये नदी आपके सामने देखिए अजमेर जिले से निकलने के बाद में यहां पर टोंक जिले में आकर के आपके सामने देखिए बनास नदी है। इस बनास नदी में आकर के मिल जाती है, मिल चुकी है यहां पर। तो यानी डाई नदी जो किशनगढ़ अजमेर से निकलती है, किशनगढ़ अजमेर से निकलने के बाद में ये नदी आपके सामने देखिए टोंक जिले में आकर के बनास नदी में मिल जाती है। यहां पर आपके सामने ये बनास नदी में आकर के मिल गई, और कहां आकर के मिलती है? तो इसी राजमहल टोंक में आपके सामने ये डाई नदी है वो बनास नदी में मिल रही है। लेकिन जब आप यहां पर भी देखेंगे, तो यहां पर भी आपके सामने देखिए तीन नदियों का यहां पर संगम हो रहा है। कौन कौन सी तीन नदियों का? यहां पर बनास नदी है, यहां पर खारी नदी है, और यहां पर डाई नदी है। तो बनास, खारी और डाई नदी का त्रिवेणी संगम कहाँ होता है? इसी राजमहल टोंक में। देखिए यहां पर आपके सामने तीन नदियों का यहां पर त्रिवेणी संगम होता है। क्या होता है यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है? पहला त्रिवेणी संगम हमने बिगोद भीलवाड़ा में पढ़ा था, दूसरा राजमहल टोंक में, बनास खारी डाई नदी का हो रहा है।
उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे चलते हैं तो यहां पर आपके सामने एक नदी आती है जिसका नाम है मासे नदी। देखिए यहां पर देखिएगा नदी है मानसी नदी और यहां पर केवल नदी है मासी नदी। अब इस मासी नदी की बात करते हैं तो मासी नदी देखिए कहां से निकलती है, ये अजमेर से निकलती है। अजमेर से निकलने के बाद में, अजमेर जिले से निकलने के बाद में देखिए ये जो मासी नदी है वो आपके सामने जयपुर जिले में प्रवेश कर जाती है और जयपुर जिले में बहने के बाद में ये नदी आपके सामने टोंक जिले में आकर के, कहां पर टोंक जिले में आकर के देखिए कौन सी नदी में मिल जाती है, तो दोस्तों यहां पर याद रखना है ये बनास नदी में आकर के मिल जाती है। यानी मासी नदी है ये अजमेर से निकलती है और अजमेर जिले से निकलने के बाद में ये जयपुर में बहती है और जयपुर में बहने के बाद में ये आपके सामने टोंक जिले में आकर के, टोंक जिले में आकर के ये बनास नदी में मिल जाती है। और यहाँ पर आपको एक स्थान मिलेगा जिसका नाम है दोस्तों देवधाम। इस देवधाम में जोधपुरिया की बात करें, देवधाम में जोधपुरिया की बात करें तो ये देवधाम जोधपुरिया भी आपके सामने कौन से जिले में है, टोंक जिले में है, वहां पर आकर के ये बनास नदी में मिल जाती है। उसके बाद में देखिएगा इस मासी नदी के बाद में एक नदी आती है जिसका नाम है आपके सामने बांडी नदी। अब इस बांडी नदी की बात करते हैं तो बांडी नदी भी कहां से निकलती है, अजमेर जिले से निकलती है और अजमेर जिले से निकलने के बाद में, अजमेर जिले से निकलने के बाद में देखिए दोस्तों ये बांडी नदी क्या करेगी, अजमेर में बहेगी और अजमेर जिले में बहने के बाद में ये टोंक जिले में आकर के देखिए आपके सामने बनास नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है दोस्तों, बनास नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, बांडी नदी। बांडी नदी अजमेर से निकलने के बाद में देखिए इसी देवधाम जोधपुरिया टोंक में आकर के बनास नदी में मिल जाती है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर बनास नदी और बनास नदी के साथ साथ देखें तो यहाँ पर देखिए बांडी नदी और ये मासी नदी, इन तीन नदियों का यहाँ पर देखिए त्रिवेणी संगम होता है देवधाम में जोधपुरिया में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो त्रिवेणी संगम है देवधाम जोधपुरिया टोंक में जो त्रिवेणी संगम हो रहा वो बनास नदी का, मासी नदी का और बांडी नदी का हो रहा। इसी बांडी नदी की एक सहायक नदी आती है और उस सहायक नदी का नाम है दोस्तों सहोदरा नदी। कौन सी नदी है, सहोदरा नदी। ये सहोदरा नदी अजमेर से ही निकलती है और अजमेर जिले से निकलने के बाद में ये नदी भी देखिए सीधी आपके सामने टोंक जिले में आकर के कौन सी नदी में मिल जाएगी, तो पहले सॉरी ये सहोदरा नदी है, ये आपके सामने मासी नदी की सहायक नदी है। यानी यहां से देखते हैं तो मासी नदी की सहायक नदी आती है कौन सी, तो याद रखेंगे सहोदरा नदी। ये सहोदरा नदी मासी नदी की सहायक नदी है जो अजमेर से निकलती है और अजमेर जिले से निकलने के बाद में ये सीधी टोंक जिले में आकर के, सीधी टोंक जिले में आकर के कौन सी नदी में मिल जाएगी, ये मासी नदी में मिल जाएगी। और इसी सहोदरा नदी की बात करते हैं तो इस नदी के द्वारा जो टोरड़ी सागर बांध है दोस्तों, टोरड़ी सागर बांध है, इस बांध को जल की आपूर्ति इस सहोदरा नदी के द्वारा ही होती है। उसके बाद में देखिए आगे देखते हैं तो यहां से आपके सामने एक नदी आती है दोस्तों जिसका नाम है डेल नदी। कौन सी नदी आती है, डेल नदी। इसे डेल नदी की बात करते हैं तो ये डेल नदी देखिए निकलती कहां से है, तो याद रखेंगे ये बावली गांव है टोंक में। कहां पर है, बावली गांव में, टोंक में, वहां से इस डेल नदी का उद्गम होता है। ये डेल नदी बावली गांव में टोंक है, वहां से ये नदी निकलती है और वहां से निकलने के बाद में देखिए ये नदी टोंक जिले में आकर के कौन सी नदी में मिल जाती है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये बनास नदी में आकर के मिल जाती है। इस डेल नदी की बात करते हैं,
इस डेल नदी की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस नदी के किनारे पर भी एक सभ्यता है वो प्राप्त हुई थी, और उस सभ्यता का नाम है दोस्तों रेड सभ्यता। यानी रेड सभ्यता की बात करें तो ये रेड सभ्यता कौन सी नदी के किनारे से प्राप्त हुई थी, तो याद रखेगा कि रेड जो सभ्यता है ये डेल नदी के किनारे से प्राप्त हुई थी, कौन से जिले में, टोंक जिले में। इसी रेड सभ्यता को कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर। यानी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राचीन भारत का टाटा नगर किसको कहा जाता है, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसको कहा जाता है, तो प्राचीन भारत का टाटा नगर है ये रेड सभ्यता को कहा जाता है जो टोंक जिले में है। कौन सी नदी के किनारे से ये प्राप्त हुई थी, तो याद रखेंगे डेल नदी के किनारे से प्राप्त हुई। लेकिन यहां पर केवल आपसे ये पूछा जाए कि भारत का टाटा नगर किसको कहा जाता है, तो भारत का टाटा नगर कहा जाता है दोस्तों जमशेदपुर को। किसको कहा जाएगा, जमशेदपुर को, जो आपको कौन से राज्य में मिलेगा, झारखंड राज्य में मिलेगा। और झारखंड में एक नदी बहती है जिसका नाम है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी है, इनके किनारे पर ये जमशेदपुर शहर बसा हुआ है, जिसको भारत का क्या कहा जाता है दोस्तों, टाटा नगर कहा जाता है। तो यहाँ से दो चीज आपसे पूछी जा सकती है कि प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड टोंक को कहा जाता है, और भारत का टाटा नगर है ये जमशेदपुर झारखंड को कहा जाता है। ये जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर है और ये रेड है ये डेल नदी के किनारे पर है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं इस बनास नदी की, अगली सहायक नदी की, जिसका नाम है आपके सामने मोरेल नदी। ये मोरेल नदी का डायग्राम थोड़ा सा आगे अपन इस नदी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं यहां से, क्योंकि पूरा डायग्राम एक साथ आएगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा इसको कट करके वापस लेते हैं। तो बने रहिए आप इसे वीडियो पर देखिए। इस तरीके से आपके सामने ये बनास नदी बह रही है, बस थोड़ा सा इसको आप आगे बढ़ा लेंगे। यहां पर देखिए ये बनास नदी का ही विस्तार चल रहा है, क्योंकि बनास नदी में भी कई सहायक नदियां आकर के मिलती है, तो इन नदियों को एक साथ ही अपन क्लियर कर लेते हैं। इस तरीके से आ जाएगी आपकी ये चंबल नदी, इस तरीके से ये चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, यहां से हो गई ये आपके सामने देखिए चंबल नदी। अब आगे इस नदी में देखिए सहायक नदी को मिलाते हैं, तो देखिए कौन सी नदी आती है यहां पर। जैसे ही बनास नदी की अगली सहायक नदी की बात करते हैं तो वहां पर एक नदी का नाम आता है जिसका नाम है मोरेल नदी। कौन सी नदी आती है, मोरेल नदी। अब इस मोरेल नदी की बात करते हैं, तो ये मोरेल नदी देखिए निकलती कहाँ से, तो याद रखेंगे कि मोरेल नदी का जो उद्गम होता है वो चैनपुरा की पहाड़ी से होता है। कौन सी पहाड़ी से होता है, चैनपुरा पहाड़ी। और चैनपुरा की पहाड़ी आपको कहाँ मिलेगी, जयपुर में। चैनपुरा की पहाड़ी है जयपुर में, वहां से देखिए मोरेल नदी का उद्गम होता है। और ये मोरेल नदी देखिए आपके सामने यहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी मोरेल नदी चैनपुरा की पहाड़ी जयपुर से, और वहां से निकलने के बाद में ये नदी प्रवेश करेगी दौसा में, और दौसा में प्रवेश करने के बाद में ये नदी आ जाएगी सीधी स्वाईमाधोपुर में। और स्वाईमाधोपुर की बात करते हैं तो स्वाईमाधोपुर में आपके सामने एक प्रसिद्ध पहाड़ी है, स्वाईमाधोपुर में एक प्रसिद्ध पहाड़ी है, और उस पहाड़ी का नाम है दोस्तों भूरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, भूरी पहाड़ी। ये भूरी पहाड़ी आपको देखिए राजस्थान के स्वाईमाधोपुर जिले में मिलेगी, और वहां पर आकर के ये मोरेल नदी बनास नदी में आकर के मिल जाती है।
यानी मुरी नदी सैनपुरा की पाड़ी जयपुर से निकलेगी और वहां से निकलने के बाद में ये नदी देखिए दौसा में प्रवेश करती है, और दौसा में प्रवेश करने के बाद में दौसा में बहने के बाद में ये नदी गोरी पाड़ी स्वाई माधोपुर है वहां पर जाकर के ये बनास नदी में मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर इस मुरेल नदी की बात करें तो मुरेल नदी पर देखिए यहाँ पर एक बांध बना है और उस बांध का नाम है मित्रों मुरेल बांध। यानी जब मुरेल बांध की बात करें तो मुरेल बांध देखिए कौन सी नदी पर बना है, मुरेल नदी पर बना है और कहाँ बना है तो याद रखिए मित्रों स्वाई माधोपुर में बना है। मुरेल बांध मुरेल नदी पर बना हुआ है और ये स्वाई माधोपुर में बना है। उसके बाद में देखिए यहाँ से आगे चर्चा करते हैं तो इस मुरेल नदी की एक सहायक नदी आती है और उस सहायक नदी की बात करते हैं तो उस सहायक नदी का नाम है आपके सामने डोंड नदी। कौन सी नदी आती है? डोंड नदी। यानी डोंड नदी की बात करें यानी डोंड नदी है ये किसकी सहायक नदी है तो याद रखिएगा कि ये मुरेल नदी की सहायक नदी है। और ये डोंड नदी निकलती कहाँ से है तो याद रखेंगे कि ये नदी है ये अचरोल की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अचरोल यानी अचरोल की पहाड़ी। और अचरोल की पहाड़ी देखिए दोस्तों कहाँ पर है तो याद रखेगा ये भी आपके सामने जयपुर जिले में। इसी अचरोल की पहाड़ी से इसी अचरोल की पहाड़ी जयपुर से देखिए डोंड नदी निकलती है और ये डोंड नदी यहाँ से जयपुर से निकलने के बाद में जयपुर में बहती है और उसके बाद में ये दौसा जिले में आकर के ये नदी आपके सामने मुरेल नदी में मिल जाती है। क्या मिल जाती है तो याद रखेंगे डोंड नदी अचरोल की पहाड़ी जयपुर से निकलती है और वहां से निकलने के बाद में ये लालसोट दौसा में ये लालसोट दौसा है वहां पर आकर के कौन सी नदी में मिल जाएगी तो मुरेल नदी में मिल जाएगी। ये नाम तो आपने सुना होगा लालसोट। कौन सा सोट है? लालसोट है। और ये लालसोट आपको कहां मिलेगा? दौसा जिले में मिलेगा। और यहाँ पर ही आपकी ये डोंड नदी आकर के कौन से नदी में मिल जाती है? मुरेल नदी में मिल जाती है। उसके बाद में इस लालसोट की बात करें तो इस लालसोट से भी क्वेश्चन आता है कि इस लालसोट की जब बात करते हैं तो लालसोट में यहाँ पर आपके सामने एक प्रसिद्ध छतरी बनी है और उस प्रसिद्ध छतरी की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखना है बंजारा की छतरी। यानी जब आपसे ये कहा जाए कि बंजारा की छतरी कहाँ है तो बंजारा की छतरी है ये लालसोट दौसा में बनी है और इसी लालसोट दौसा में डोंड नदी आकर के मुरेल नदी में मिल जाती है। और इसी डोंड नदी की बात करते हैं तो दोस्तों इस डोंड नदी पर एक बांध बना है और उस बांध का नाम है मित्रों आपके सामने कानोता बांध। कौन सा बांध है? कानोता बांध। यानी कानोता बांध की बात करें तो कानोता बांध है ये जयपुर जिले में बना है और इसी डोंड नदी पर बना है। डोंड नदी पर कानोता बांध बना है जयपुर में जहां से राजस्थान में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन होता है। तो ये आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि डोंड नदी से ही देखिए कानोता बांध है वो प्राप्त होता है और इस कानोता बांध में आपको मछली है वो सबसे ज्यादा मिलती है। ऐसा पूछ लिया जी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा मछली कहाँ से प्राप्त होती है तो कानोता बांध से होती है। कानोता बांध कौन सी नदी पर बना है तो याद रखना डोंड नदी। ऐसे नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखना कानो डोंड। तो कानो डोंड यहाँ से कानो का मतलब कानोता बांध कौन सी नदी पर है? डोंड नदी पर है। कहाँ पर है? जयपुर में। तो ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं क्योंकि याद करने के अलग अलग तरीके हैं। आप कैसे भी करके इनको याद कर सकते हैं लेकिन जब भी आपको याद करने के लिए कहा जाए तो कोई भी आप किसी भी चीज को याद कर रहे तो इनको एक आधार मान करके आप इनकी तैयारी एक आसानी से कर सकते हैं और वो लंबे समय तक आप इनको याद रख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों बात करते हैं इस मुरेल नदी की अगली सहायक नदी की। तो ये तो हो गई डोंड नदी और अगली मुरेल की सहायक नदी की बात करें तो वो सहायक नदी देखिए मित्रों कौन सी आती है
तो वहां पर भी आपको याद रखना है कालीसिंध नदी। देखिए एक तो हमने कालीसिंध नदी पढ़ा था और एक नदी आपके सामने आ रही है कालीसिंध नदी। देखिए कालीसिंध नदी कहाँ से निकलती है, तो सपोटरा से निकलती है। और सपोटरा कहाँ पर है, करौली में। सपोटरा कहाँ पर है, करौली में। वहां से देखिए ये कालीसिंध नदी निकलती है और करौली से निकलने के बाद में ये नदी देखिए यहां पर पहले करौली में बहती है। कहाँ बहती है, करौली में बहती है। और करौली में बहने के बाद में ये नदी सीधी देखिए आपके सामने कौन सी नदी में आ जाती है, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे ये मोरेल नदी में आकर के मिल जाती है। यहां से देखिए सपोटरा करौली से निकलती है, वहां से निकलने के बाद में, वहां से निकलने के बाद में ये आपके सामने स्वाईमाधोपुर में आकर के ये मोरेल नदी में मिल जाती है। और जो आपके सामने श्री महावीर जी का जो मंदिर है वो इसी कालीसिंध नदी के किनारे पर बना हुआ है, करौली जिले में बना है। तो ये आपके सामने संपूर्ण, जब अपन बनास नदी की बात करते हैं तो ये सारी की सारी बनास नदी की ही सहायक नदी है। इन सहायक नदियों को आप डायग्राम के माध्यम से याद करेंगे कि ये नदी कहाँ से निकलती है, इनकी क्या क्या विशेषता है। यानी यहाँ पर पहले आप बनास नदी का डायग्राम है वो तैयार कीजिए, और बनास नदी का डायग्राम तैयार करने के बाद में दोस्तों आप इनकी सहायक नदियों को एक एक करके पढ़िएगा। जैसे ऊपर से मैंने पढ़ाया मैनाल नदी, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, बिगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा, बिगोद भीलवाड़ा, इसका मतलब मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकली और बिगोद भीलवाड़ा में बनास में मिल गई। कौन सा इस पर बांध बना है, मैनाल जलप्रपात है वो बना है, ये विशेषता हो जाएगी। फिर कोठारी नदी दिवेर की पाड़ी राजसमंद से नंदराय भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल रही है। विशेषता क्या है, इस नदी पर मेजा बांध बना, कहाँ पर बना, भीलवाड़ा में बना। और इसी कोठारी नदी की एक विशेषता आप और याद रख सकते हैं कि इस कोठारी नदी के किनारे पर एक सभ्यता प्राप्त हुई थी जिसका नाम है बागोर सभ्यता। यानी बागोर सभ्यता की बात करें तो बागोर सभ्यता है ये कहाँ से प्राप्त हुई थी, भीलवाड़ा जिले से प्राप्त हुई थी। कौन सी नदी के किनारे से प्राप्त हुई थी, तो याद रखिएगा कोठारी नदी के किनारे से प्राप्त हुई थी। उसके बाद में आप खारी नदी को याद रखो, खारी नदी ब्रिजराज या ब्रिजराज की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और राजमहल टोंक में आकर के बनास में मिल जाती है। विशेषता क्या है, इस नदी के किनारे पर गुलापुरा, विजयनगर, आसिम भीलवाड़ा का शहर है वो इस नदी के किनारे बसा है। नारायण सागर बांध जिसको अजमेर का समुद्र कहा जाता है इस नदी पर बना। लासड़िया बांध अजमेर में इस नदी पर बना है। खारी नदी की सहायक नदी एक मानसी नदी जो करणगढ़ भीलवाड़ा से निकलने के बाद भीलवाड़ा में मिलती है। इस मानसी नदी पर अडवान बांध बना है भीलवाड़ा में। फिर डाई नदी को याद रखो, किशनगढ़ अजमेर से निकल के राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम बनाती है। मासी नदी है अजमेर से निकलने के बाद जयपुर होते हुए टोंक देवधाम जोधपुरिया में आकर मिलती है। मासी की सहायक नदी साउदरा नदी है जो अजमेर से निकलने के बाद टोंक में आती है। और उसके बाद में बांडी नदी अजमेर से निकलने के बाद में टोंक में आके बनास में मिलती है। यहाँ पर मासी, बांडी और बनास नदी का त्रिवेणी संगम देवधाम जोधपुरिया टोंक में होता है। फिर डेल नदी याद रखो, डेल बावली गांव है टोंक में, वहां से निकलने के बाद में रेड सभ्यता इस नदी के किनारे प्राप्त हुई है, यहाँ पर टोंक में आकर बनास नदी में मिल जाती है। मोरेल नदी है बनास की सहायक नदी है, चैनपुरा की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, दौसा होते हुए भूरी पहाड़ी स्वाईमाधोपुर में आकर बनास में मिल जाती है। सहायक नदी है ढोंड नदी जो अचरोल की पहाड़ी जयपुर से निकल के कामोता बांध का निर्माण करके लालसोट दौसा में आकर मोरेल में मिल जाती है। मोरेल नदी पर मोरेल बांध बना है स्वाईमाधोपुर में। इस मोरेल की सहायक नदी कालीसिंध नदी जो सपोटरा करौली से निकलने के बाद में स्वाईमाधोपुर में आके मोरेल नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों ऐसे आप इनको पहले इनकी विशेषता याद रखेंगे, साथ के साथ विशेषता याद रखने के साथ साथ आप इनका डायग्राम जरूर याद रखिएगा। बिना डायग्राम के माध्यम से ये नदियां समझ में नहीं आएगी। तो मैंने आप लोगों के सामने ये संपूर्ण बनास नदी की जो सहायक नदियां हैं वो आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत किए। और मेरा वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप इनको भी देखने की कोशिश करना, क्योंकि बनास नदी की ये सहायक नदियां बनास नदी से संबंधित
पूरी विशेषता मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।